हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में सीखेंगे ये थ्री पिन टॉप प्लग का कनेक्शन है वो कैसे किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे ये थ्री पिन टॉप प्लग है उसमें क्या वायर है, रेड वायर है वो कहाँ जोड़ी जाती है, और इसमें ग्रीन वायर है वो कहाँ जोड़ी जाती है, और इसमें जो ब्लैक वायर है वो कौन से टर्मिनल पर जोड़ी जाती है। दोस्तों आपको पूरी जानकारी वो इसी वीडियो में मिलेगी। दोस्तों आप वीडियो स्टार्टिंग से तक बने रहे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ऊपर दिया हुआ बेल आइकन उस पर प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों नए नए वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुँच गए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास थ्री पिन टॉप प्लग है जिसका कनेक्शन है हम इस वायर के साथ करेंगे। टॉप प्लग है ये क्या है दोस्तों, ये 6 एम्पियर 240 वोल्ट वर्क करता है, यानी दोस्तों आप क्या है इससे जो लगभग 1000 वोल्ट का जो लोड है वो इसके ऊपर चला सकते हैं, यानी इस प्लग से आप 1000 वोल्ट का लोड है वो चला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस टॉप प्लग को ओपन करेंगे। अब दोस्तों जो ये जो इसके जो तीन टर्मिनल है, यानी जो ऊपर का दोस्तों जो अर्थ का टर्मिनल है और जो इसके नीचे जो एल, यानी ये इसमें क्या फेस का एंड जोड़ेंगे, जो न्यूट्रल दिया हुआ है इसके नीचे, ये इसमें क्या है ना न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। तो जो इसके जो तीनों पॉइंट है, इसके जो स्क्रू है इसको क्या है लूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा लूज करेंगे ताकि दोस्तों इसके अंदर वायर है वो अच्छी तरह से। दोस्तों हमारे पास वायर है इसके अंदर दोस्तों तीन वायर दी हुई है। इसके अंदर एक दोस्तों है ग्रीन, यानी ग्रीन वायर, और इस ये दोस्तों एक है ब्लैक वायर और ये क्या है रेड वायर। दोस्तों जो इस ग्रीन वायर का जो कनेक्शन है वो क्या है हम ऊपर जो बड़ा पॉइंट दिया हुआ है अर्थ का उसमें करेंगे, और जो ब्लैक का इसमें न्यूट्रल पॉइंट दिया हुआ है उसमें करेंगे, और जो रेड वायर है उसका कनेक्शन है वो क्या है एल दिया हुआ है जिसमें एल लिखा हुआ है उस पर हम जोड़ेंगे। दोस्तों इस सभी वायरों को एक एक करके दोस्तों इन टर्मिनलों के अंदर अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट कर देंगे, और इसके जो पेच है उसको अच्छी तरह से हम कसेंगे ताकि दोस्तों की किसी प्रकार का लूज नहीं रहे, क्योंकि दोस्तों वायर के अंदर कई बार लूज रह जाता है, और लूज रहने के कारण दोस्तों जब स्पार्किंग होती है मान लो लोड पड़ता है तो दोस्तों इससे क्या आपका जो ये टॉप प्लग है ये जल सकता है और आपकी जो वायर है वो भी जल सकती है। इसलिए दोस्तों क्या आप वायर को अच्छी तरह से कसेंगे इसके अंदर। अब दोस्तों इसका हमने अच्छी तरह से कनेक्शन कर दिया है। दोस्तों इसका जो रेड वायर है उसका जो एल लिखा हुआ है इसके ऊपर इस टर्मिनल पे जोड़ दी है, और जो ब्लैक वायर है उसको यहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है उस पर जोड़ा है हमने टर्मिनल पे। तो दोस्तों जो ग्रीन वायर है उसको क्या है जो बड़े वाला जो अर्थ का जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हमने अच्छी तरह से जोड़ दिया है। इसी तरह दोस्तों क्या आप जोड़ सकते हैं। तो कैपिंग है जो क्या है जैसे वायर में मान लो किसी तरह का चाव पड़ता है, चाव है इसमें आता है और आता है, तो वो दोस्तों ये है कैपिंग इसको रोक के रखती है वायर को अच्छी तरह से। दोस्तों इसको हमें क्या है इस तरह से लगा देंगे। दोस्तों ये कनेक्शन है हो चुका है, और दोस्तों इसी तरह से क्या है इसका ऊपर जो कवर है वो क्या है तो अलग पे लगा देंगे, और इसके जो दोनों स्क्रू है इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। दोस्तों आज का हमारा ये थ्री पिन टॉप प्लग का कनेक्शन है वो हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों आप घर पे कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगले आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि जो इसका जो टॉप थ्री पिन टॉप प्लग का दोस्तों जो अर्थ जो टर्मिनल है ये बड़ा क्यों होता है, और दोस्तों इन तीनों पिनों के अंदर दोस्तों ये कट क्यों लगा होता है।
दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ऊपर दिया हुआ है बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों नए नए वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।